नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। मैथा के राजकीय विद्यालय में शिक्षकों के समय पर नहीं आने से नाराज छात्रों ने गेट पर ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बारा के बड़गांव क्षेत्र में हो रही बरसात के बाद नदी नाले उफान पर, इसके चलते कई मार्ग बंद पड़े हैं। बारा के शाहबाद में प्रसिद्ध कुंड खोह जल प्रपात के ऊपर नहाते समय पैर फिसलने से रिश्ते में जीजा साले के कुंड में गिरने से मौत, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामगढ़ से मांगरोल तक सड़क का निर्माण कार्य आमजन और राहगीरों के लिए बना परेशानी का सबब। बारा के अंता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। झालावाड़ के बकानी थाना पुलिस ने साइबर ठग के मामले में दो अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने टाइल्स बेचने के बहाने ऑनलाइन ठगी करके 2,80,000 रुपए अपने खाते में डलवाए। झालावाड़ के सुनेल बुढ़ावा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत समिति परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति अधिकारी को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के उनेल थाना क्षेत्र में कुएं से पानी भर रही महिला का पैर फिसला, कुएं में गिरने से महिला की मौत। भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यमंडल के कार्यकर्ताओं की महामंत्री संजय वर्मा के नेतृत्व में बैठक, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आतिशबाजी कर बधाई दी। झालावाड़ मिनी सचिवालय परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में 52 साल की बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। रायला क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल राज्य सरकार के आदेश के अनुसार खुले। स्कूल खुलने के बाद से अभिभावकों में बच्चों को प्रवेश दिलाने की दौड़ लगी हुई है। शाहपुरा थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में घुसा बरसात का पानी, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। नागौर दौरे पर है संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने की जनसुनवाई, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने जिला कलेक्ट्रेट में कार्यालयों का निरीक्षण किया। जनसुनवाई में आए परिवादियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर कर्मचारियों को पटखाड़ा कर। नागौर दौरे पर है संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा को राजकीय महाविद्यालय की छात्रा खुशी गौर ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। नागौर के मुंडवा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में काली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। नागौर के परवासर थाना क्षेत्र में विधायक राम निवास गावड़िया ने पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। राजकीय विद्यालय में विज्ञान वाटिका का उद्घाटन विधायक राम निवास गावड़िया और सीबीओ हुक्मा राम लेगा की अध्यक्षता में किया गया। झुंझुनू के पंचलंगी थाना क्षेत्र में आयोजित रामधुनी कार्यक्रम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों का प्रदर्शन जारी। पहाड़ीला थाना क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह महिला ने पोषाहार का निरीक्षण किया। झुंझुनू के छुड़ावा आए सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र से गांधीवादी विचारक और स्वदेशी प्रचारक मनोज ठाकरे का लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने अभिनंदन किया। झुंझुनू के छुड़ावा में सनराइज योगा क्लब एवं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा पौधारोपण अभियान चलाया। झुंझुनू के मंडोला थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग परिवार की मदद महिला विकास संस्थान द्वारा की गई। संस्थान ने परिवार को नगद राशि, कपड़े और राशन सामग्री भेंट की। राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के लिए नियुक्त लोकपाल सुखदेव यादव ने पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के साबला स्कूल में साबला पुलिस की ओर से बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति पद पर पहली आदिवासी महिला के निर्वाचित होने पर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। आसपुर वन क्षेत्र के पालथूर में अनीला फले में दिखा पैंथर, पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। डूंगरपुर के करावाड़ा स्कूल में चल रहे FLN प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी पहुंचे। पदाधिकारियों ने शिविर का अवलोकन करके शिक्षकों से संवाद किया। स्टेशन मार्ग पर मोबाइल के शोरूम का ताला तोड़कर चोर 3 मिनट में करीब 6 लाख रुपए के मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हिंडौन के बागा वाले हनुमान जी कांवड़ यात्रा को फूले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मिली धमकी के बाद उन्हें जेट प्लस सुरक्षा देने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंडौन SDM को ज्ञापन दिया। करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव वीना गुप्ता द्वारा ठेकरा गौशाला का निरीक्षण किया। श्री गोवर्धन सेवा समिति के तत्वाधान में श्री गोवर्धन महाराज की 17वीं पदयात्रा रवाना।
हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। अखिल भारतीय थानका आदिवासी समाज ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। हनुमानगढ़ को मिनी चंडीगढ़ बनाने के लक्ष्य से नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने शहरी क्षेत्र में के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोड लाइट की सौगात दी। भिलाड़ा के चांदीलाव गांव में मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोरी करने का मामला थाने में दर्ज। भिलाड़ा समेत आसपास के गांवों में लगातार हो रही बाइक चोरियां। खेज रड़ला गांव में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी। वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में घायल वन्यजीव को समय पर उपचार न मिलने के चलते मौत। स्थानीय थाना पुलिस ने अवैध शराब के 41 पौवे जब्त किए। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नेवरा रोड निवासी महिपाल जाट को उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। लोणी के लूणावास खारा गांव के ग्रामीणों ने गौवंश के हरे चारे की व्यवस्था के लिए 70 बीघा जमीन पर ज्वार की फसल लगाई। बावड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र से चोर पोषाहार सामग्री लेकर फरार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने लूणी गांव पहुंचकर दोहरे हत्याकांड में मारे गए रमेश पटेल के घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। जोधपुर के फलौदी में घर के आगे खड़े बुजुर्ग की आवारा गौवंश के हमले में मौत। फलौदी के राजकीय जिला अस्पताल में दो युवकों ने अपना ए पॉजिटिव ब्लड देकर अस्पताल में उपचाराधीन दो महिलाओं को जान बचाई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करके विकास अधिकारी पन्नालाल मालिक को ज्ञापन दिया। जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित होने जा रहे सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन। जोधपुर के बावड़ी थाना क्षेत्र में प्रार्थी उस्मान खान ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया। बावड़ी के दहीजर गांव में एडमिशन के नाम पर रुपए हड़पने का मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मंत्री मुन्नाराम सुतार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। जेजो पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी दर्ज करने के मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोताया आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम ललिता माली ने क्षेत्र की गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। जोताया सरवाड़ सड़क मार्ग पर पुल बनाने की मांग बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारी नहीं ले रहे ध्यान। अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने संजय कुमार मीणा को अपनी शचिर भाई की हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सांसद या कुमारी ने सड़कों के संबंध में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों ने रास्ता निकालने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार नानगा राम चौधरी को ज्ञापन दिया। पंचायत समिति आहूर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जालौर के आहूर उपखंड क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में 6 दिवसीय गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। आहूर थाना पुलिस ने सुरक्षा सखी के सदस्यों के साथ बैठक की। हेड कांस्टेबल रामलाल ने सुरक्षा सखियों को वर्तमान में हो रही साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया। पुलिस थाना नौसरा ने कार्रवाई करते हुए भवरानी गांव में 6 दिन पहले हुए हत्या के प्रयास के मामले में कार्रवाई कर मनाराम गमेती को गिरफ्तार किया। जालौर के सांसौर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 20 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था। जालौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा सफाई अभियान चलाया। सीकर के नीमपा थाना में एसआई सुभाष चंद को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। सीकर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा में नेते 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा खंडेला के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के विजयी होने पर सीकर शहर समेत जिले भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोगों ने मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की। सोनी समाज के अध्यक्ष वासुदेव सोनी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ज्ञापन में पिछले 23 दिन से लापता युवक का जल्द सुराग लगाने की मांग। नागौर के माड़ी बाई राजकीय विद्यालय महाविद्यालय की छात्रा खुशी गौंड ने महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। नागौर के रियाबाड़ी उपखंड क्षेत्र में खाटू श्याम बाबा के मंदिर परिसर में ग्राम पंचायत में 251 पौधे दिए। बिदासर सरपंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिना जांच के ग्राम विकास अधिकारी को हटाए जाने पर विरोध करते हुए आदेश को निरस्त करने की मांग की। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से गिरफ्तार करने पर विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, जुलूस निकालकर जश्न मनाया।
चूरू जिला मुख्यालय में नगरपालिका की खुली पोल लगभग एक सप्ताह से शहर के मुख्य मार्ग जलमग्न, इसके चलते आमजन को हो रही है काफी परेशानी। दूदू पंचायत समिति प्रांगण पर ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के साथ 2021 में हुए समझौते की पालना नहीं करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दूदू के राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक और विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महाविद्यालय परिसर पर पेड़ लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी। बोरवानिया से कुमारिया गांव को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव में बहा, गनीमत रही कोई जनहानि। बांसपाड़ा के खाटोल कस्बे में बीती रात दो युवकों को ग्रामीणों ने नशीला इंजेक्शन एक दूसरे को लगाते दबोचा, दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। बांसपाड़ा के बस्सी आड़ा गांव के राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास का निरीक्षण खाटोल विकास अधिकारी प्रभु लाल डामो ने किया। बांसपाड़ा के चरपोटा पाड़ा गांव में पिछले 7 दिन से अंधेरा पसरा है, कस्बे में विद्युत पोल वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया, इसके बाद से कस्बे में लाइट की समस्या बनी हुई है। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में पानी की निकासी की समस्या का समाधान न होने पर सड़कों पर गंदे नाले का पानी बह रहा है। बाड़मेर के दोरेमन्ना थाना पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी उदय राम को गिरफ्तार किया। गुडामालंड पंचायत समिति के पुंजाबेरी ग्राम पंचायत भवन की छत से गिरने से एक मजदूर की मौत। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में 32 साल की विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वृक्ष मित्र अभियान के तहत क्षेत्र के घड़ी गांव में पौधरोपण किया। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की समझौता वार्ता के तहत मांगों को नहीं मानने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। थाने पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने और शेयर करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कंचनपुर थाना पुलिस ने 2 महीने से फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर प्रदेश भर के तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन, तहसीलदार को ज्ञापन। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में अभिभावक संघ ने SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूल और स्कूल बसों की परिवहन विभाग द्वारा जांच कराए जाने की मांग की। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे में मनिया मार्ग पर एक गाय गहरे नाले में जा गिरी, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने गाय को सकुशल बाहर निकाला। कोतवाली थाना पुलिस ने धौलपुर ने SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध गांजा जब्त। बगरू के लाल कोठी बालाजी मंदिर प्रांगण में सुदर्शन दास नागा महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा यज्ञ का शुभारंभ, महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। बगरू के राजकीय संस्कृत विद्यालय में भादुका सेवा संस्थान की ओर से वृक्षारोपण और विद्यार्थियों को टी शर्ट बांटे गए। कानोता थाना क्षेत्र के बगराना में राधाकृष्ण मंदिर की जाली तोड़कर चोरी चांदी की मूर्ति अज्ञात चोर चुराकर फरार, सुबह पुजारी पूजा करने पहुंचा तब घटना के बारे में पता चला, मंदिर से मूर्तियां चोरी होने की सूचना पुजारी ने ग्रामीणों को दी। बांकरोटा थाना पुलिस ने SHO रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आदतन बदमाश देवेंद्र सिंह को एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर बेंगू क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। बीकानेर के पांचों ग्राम विकास अधिकारियों ने दिया पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना, काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। बीकानेर के नवासा कस्बे में महिलाओं द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। बीकानेर के कोलाया थाना क्षेत्र में पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, आनंद कला को सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट चुना। बीकानेर के पुगल थाना क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार के वादाखिलाफी के विरोध में प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाजसेवी ललित गुप्ता ने विद्यालय स्टाफ से चर्चा करके विद्यालय की समस्याओं की जानकारी ली। कोटा की कुदायला कोटा स्टोन एसोसिएशन के भवन में गुरुवार को दीपों का शिविर लगाया। भूलाहेड़ा चौथ माता मंदिर परिसर पर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष घनश्याम मीणा और ग्रामीणों की ओर से पौधे लगाए। ओम धर्मशाला बपावर पर बीजेपी जिला देहात अध्यक्ष मुकुट नागर की अध्यक्षता में आयोजित मंडल कार्य समिति की बैठक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में दिया धरना, ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र गोचर के नेतृत्व में धरना। दौसा के सिकराय थाना क्षेत्र में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों की बैठक में समाज की एकता पर बल। दौसा के महुआ में गहराते पेयजल संकट के चलते महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों को हरी कोटे सुनाई, पानी की समस्या के निदान की मांग की। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र के भावता गांव की पहाड़ी पर एक बुजुर्ग का शव मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल, मृतक की पहचान रामकरण मीणा के रूप में। पाली के दूसरे थाना क्षेत्र में ब्रेक फेल होने से ईंटों से भरा ट्रेलर पलटा, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पालना पुलिस थाना क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के पास अज्ञात लोगों ने कार में आग लगा दी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। लॉयंस एवं लियो क्लब के सदस्य के बेटे के जन्मदिन पर राजकीय विद्यालय के बच्चों को पानी की बोतल और शिक्षण सामग्री बांटी गई। पाली के देशपुर थाना क्षेत्र में 24 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने 8 सूत्र मांगों को लेकर धरना दिया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पहुंचकर अपना विरोध जताया। अलवर के भैरोड़ थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता अधेड़ की लाश खेत में मिलने के बाद हड़कंप, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। अलवर के बारासू थाना क्षेत्र में विद्यालय में बच्चों के लिए पेयजल सुविधा के लिए बोरिंग का निर्माण करवाया। राजस्थान प्रदूषण मंडल ने कार्रवाई कर एक दुकान से 155 किलो पॉलिथीन जब्त किए। अलवर के खैरतल कस्बे में बंदरों का आतंक देखा जा रहा है, बंदरों के हमले में हर दिन लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। किशनगढ़ दास नगर पालिका प्रशासन ने विधायक दीपचंद खैरिया पालिका अध्यक्ष प्रधान की मौजूदगी में 141 आवास से पट्टे बांटे। दिल्ली जयपुर हाईवे शाहजहांपुर सर्विस लाइन की हालत उजड़ इसके चलते आमजन को आवाजाही में हो रही है काफी दिक्कतें। बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उपखंड कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, डॉक्टर किरोड़ी मीणा को Z+ सुरक्षा देने के मांग। अलवर की जयसमंद झील में साल 2016 से नहीं आ रहा पानी, करीब 6 साल से झील सूखी पड़ी है, इसके चलते अलवर शहर और आसपास के इलाकों में पानी की कमी देखी जा रही है। 7 दिवसीय कावड़ियों के शिविर का शुभारंभ गुरुवार को राजगढ़ अलवर मार्ग स्थित कोठी नारायणपुर बाईपास पर हुआ। अलवर के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी केंद्र के भवन के मरम्मत कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। मलाना डूंगर कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन, किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी दी। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे बजरी का खनन, शिकायत के बाद प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। सवाईमाधोपुर के रणथंबोर अभयारण्य क्षेत्र में जोरदार बारिश के चलते टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 सड़क मार्ग पर बरसात का पानी आया, लोगों को आवाजाही में हो रही काफी दिक्कतें। सिरोही के मानपुर में राजवाड़ा पुल से गिरी युवती की हालत नाजुक, चिकित्सालय में महिला का उपचार जारी। सिरोही के बनवाड़ा थाना क्षेत्र में विधायक समाराम वरासिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर मनाया जश्न। जिले के आबू रोड रिको थाना में श्रमिक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया, रिको थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। राजसमंद जिला परिषद सभागार में जल शक्ति अभियान से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित। राजसमंद में आयुर्वेद विभाग ने निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सदर थाना पुलिस ने गन्ने के व्यापारी के अपहरण के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तारी, साथ ही कार भी बरामद की। जिला कलेक्टर ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी लाभार्थियों का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया, देवस्थान विभाग के अधिकारी के साथ समीक्षा की। फलसुंड थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ बरामद किए।
जैसलमेर के रामदेवरा थाना क्षेत्र में लंपी स्किन की बीमारी फैलने के चलते आए दिन गायों की मौत हो रही है। सैकड़ों पशुधन इसके चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। फलसूंड पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में खेतवाड़ी गांव के पास पुलिया के नीचे एक महिला का शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले वीडियो ने बैनर तले प्रदर्शन किया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे के जंगल में एक महिला के पेड़ पर लटकी लाश मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले किया। उदयपुर के राव मादड़ा गांव में बदमाशों ने देर रात सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने मकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा कर फरार। लसाड़िया के कुड़ कस्बे में चोर बदमाश चारभुजा जी मंदिर से ठाकुर जी की प्रतिमा को चुरा कर फरार। वन विभाग द्वारा हर घर औषधि योजना के अंतर्गत राजकीय स्कूलों में कठपुतली कार्यक्रम के माध्यम से औषधीय पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को जागरूक किया। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गड़साना के स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने राजकीय खेल स्टेडियम में पौधारोपण किया। सुनील सिहाग गौरव फिल्म गंगानगर के क्रिएटिव हेड और बेस्ट सेलिंग बुक कुकर की सिटी की लेखिका योगिता वाडे को ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड मिला। नगर पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा को जिला प्रशासन द्वारा बहाल करने के बाद सफाई कर्मचारी 8 दिन के बाद काम पर लौटे।